केरला जैसे वेल एजुकेटेड स्टेट में 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन होता है और उन्हें ISIS ज्वाइन करवा दिया जाता है। मतलब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई खबर ही नहीं थी। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले इस देश में बेरोजगारों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सत्ता तो बजरंगबली के नाम से ही मिल जाती है। प्रोटेस्ट करोगे तो पीटे जाओगे, फिर भले ही तुम इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हो। आज के इस वीडियो द वीकली शो में हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते की बड़ी अपडेट्स के बारे में। द केरला स्टोरी, इस मूवी का टीजर रिलीज करके क्लेम किया गया कि केरला में 32,000 नॉन मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप में फंसाकर पहले मुसलमान बनाया गया और फिर उन्हें ISIS ग्रुप में अफगानिस्तान, सीरिया, यमन जैसे देशों में भेज दिया गया। मूवी में लीड रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इसे ट्रू स्टोरी बताकर शेयर किया और टीजर में कहा, केरल में नॉर्मल लड़कियों को खतरनाक आतंकवादी बनाने का खतरनाक खेल चल रहा, वो भी सबके आंखों के सामने। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। दूसरी तरफ इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तु सेन मीडिया में घूम घूम कर इसे ट्रू स्टोरी साबित करने में लगे हैं। सुदीप्तु सेन अदा शर्मा की माने तो केरला ISIS का ग्राउंड बन चुका है, जहां लड़कियों को ट्रैप करके टेररिस्ट बनाया जा रहा। भले ही मीडिया इस मूवी के सपोर्ट में उसे प्रमोट कर रही, जबकि अगर ये दावे 1% भी सही है तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी। केरला को टेररिस्ट हब बताया जा रहा तो जाहिर सी बात है केरला सीएम को रिएक्ट करना ही था। सीएम पिनाराई विजय ने इस मूवी को RSS फैक्ट्री ऑफ लाइज का प्रोडक्ट बता दिया। इसके अलावा एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा, ये मूवी जानबूझकर कम्युनल पोलराइजेशन और केरल के अगेंस्ट हेट प्रोपेगेंडा फैलाने के मकसद से बनाई गई है। सेक्युलर लैंड केरल को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का सेंटर बनाकर वो संघ परिवार के प्रोपेगेंडा को रिपीट कर रही। दरअसल कहानी यह है कि केरला को भारत का वेल एजुकेटेड स्टेट कहा जाता है और यही रीजन है कि यहां के इलेक्शन में रिलीजियस एजेंडा कभी काम ही नहीं आया। एजेंडा नहीं चला तो रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में कभी जीत ही नहीं पाई, लेकिन ट्राई खूब किया। और अब केरला स्टोरी सामने है जिसमें 32,000 लड़कियों के ISIS ज्वाइन करने का दावा। नंबर इतना बड़ा था जिसे देख के यकीन करना अपने आप में ही बेवकूफी होगी। नंबर को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए और ऑफर किया कि अगर आप इस मूवी को ट्रू स्टोरी प्रूव कर देते हैं तो 1,21,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन साबित करने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि ये 32,000 जैसा नंबर सही होने का कोई चांस ही नहीं है। और आखिरकार केरला स्टोरी मेकर्स जो कि 32,000 लड़कियों के नंबर पर दावे कर रहे थे, वो क्लेम कम करके 3 पर आ गए। मतलब अदा शर्मा का क्लेम, सुदीप्तु सेन की रिसर्च, सब फुस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब आपको अपनी रिसर्च पर इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि 32,000 से सीधे 3 पर आ गए, तो इसे आप कैसे ट्रू स्टोरी कह सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पर इस ट्रू स्टोरी की अच्छे से हवा निकाल दी गई। आपको पता है कि भारत में बेरोजगारी पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। मार्च महीने में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% था, वो अब बढ़कर 8.11% हो गया है। अर्बन एरियाज में रेट 8.51% था, वो अब बढ़कर 9.81% पर आ गया है। ये बात आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी, क्योंकि बेरोजगारी आपके लिए, इस देश के लिए, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और यहां की इंडियन मीडिया के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा क्या है? बजरंग बली। कर्नाटका में चुनाव होने वाला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहती है। बजरंग दल के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, कितना सभ्य और संस्कारी संगठन है। बजरंग दल के लोग हाथ में हथियार लेकर अक्सर आपको देशहित में काम करते दिख जाएंगे। ये सभ्य, संस्कारी और देशहित वाली बात को ज्यादा सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा था। गजब बेइज्जती है। कर्नाटक इलेक्शन की बात करें तो सर्वे के हिसाब से इस टाइम कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आने वाली है। NDTV ने एक सर्वे किया, इसमें कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा करप्ट है। 59% लोगों ने कहा BJP, 35% लोगों ने कहा कांग्रेस। दूसरा सवाल था, किस पार्टी में नेपोटिज्म सबसे ज्यादा है। यहां भी 59% लोगों ने कहा BJP, 30% लोगों ने कहा कांग्रेस। तीसरा सवाल था, कौन सी पार्टी कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखने वाली है। 49% लोगों ने कहा कांग्रेस और 34% लोगों ने कहा BJP। ओवरऑल देखा जाए तो कर्नाटक में BJP का हारना लगभग तय माना जा रहा, क्योंकि BJP कभी अपने 5 साल में किए कामों पर वोट मांगती नहीं। इलेक्शन कैंपेन धर्म के आसपास ही घूमता रहता है। ऐसे में जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही तो मानो BJP को एक मुद्दा मिल गया और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर रैलियों पर रैलियां शुरू हो गई। हालांकि बजरंग दल को बजरंग बली से रिलेट करना अपने आप में ही बजरंग बली को डिफेम करना हुआ। नाम में बजरंग होने से वो बजरंग बली नहीं हो सकता। जैसे इनके नाम में अमन है, लेकिन इनका अमन शांति से कोई लेना देना है?
नहीं, क्योंकि नाम के साथ साथ आपको उसका काम भी देखना पड़ेगा। हालांकि इलेक्शन पीरियड ही ऐसा टाइम होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज दबाव में होती हैं, लेकिन अगर उसमें भी आपके बेसिक मुद्दों को छोड़कर धर्म के नाम पर वोट पोलराइज किया जाएगा तो भैया आपको हक नहीं बनता कि आप बेरोजगारी, महंगाई, सोशल जस्टिस, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल करो, क्योंकि सवाल आपको ही करना है। मीडिया तो करेगा नहीं, और करेगा भी क्यों, उसे भी बजरंग बली पर बगैर कोई रिसर्च किए शो पे शो करने में खूब मजा आ रहा। वैसे भी जो नेता, जर्नलिस्ट या कोई भी बड़ा आदमी बजरंग दल की वकालत करता दिख रहा, आपको उनके बच्चे बजरंग दल में नहीं मिलेंगे। जैसे सुधीर चौधरी बजरंग दल के फेवर में तो है, लेकिन अगर कोई इन्हें, इनके बच्चे या इनके करीबियों के बच्चे को बजरंग दल ज्वाइन करने की सलाह भर दे दे तो वो इन्हें गाली लगने लगती है। मतलब मिडिल क्लास के बेरोजगार बच्चे ही बजरंग दल ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी जितने भी हैं सिर्फ ज्ञान देंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपने पहलवानों को इंडिया के लिए मेडल जीतते देखा होगा, इंडियन फ्लैग को इंडिया के बाहर फहराते हुए देखा होगा, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखा होगा, और अब कल रात में उन्हीं पहलवानों पर दिल्ली पुलिस को बर्बरता करते हुए देखा होगा। मतलब भले ही आप मेडल जीतते हो, इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर आप सत्ता के नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो तो भैया आपका भी वही हाल होगा जो अब तक के प्रोटेस्ट में देखा गया है। धक्के मारा था मैं तब महिला कांस्टेबल कहा थी, तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की, वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी क्या, लड़कियों को कैसे धक्के मारने की। आज आपको इन फीमेल रेसल्स की रोती हुई तस्वीर देखकर बुरा लग रहा, तकलीफ हो रही, तो इसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि पहले जब जामिया की लड़कियों पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी, अगर उसी टाइम इसे काउंटर किया गया होता तो शायद ये दोबारा ना होता। लेकिन जहां तक बात रेसलर्स की है तो ये गलत हुआ है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने साक्षी जोशी, दीपेंद्र हुड्डा, स्वाति मालीवाल जैसे लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। यानी जिस बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट में FIR रजिस्टर है वो खुलेआम इंटरव्यूज दे रहा, पुलिस बृजभूषण को अरेस्ट नहीं कर रही, लेकिन प्रोटेस्ट को सपोर्ट देने वाले, प्रोटेस्ट को कवर करने वालों को अरेस्ट किया जा रहा। सो पीसफुल आ जाइए, मैडम प्लीज डोंट टच, आ जाइए, आ जाइए, हाथ मत लगाइए ना, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। राकेश टिकैत की ये तस्वीर आपको याद होगी, फार्मर प्रोटेस्ट लगभग खत्म ही होने वाला था, कहा जा रहा था कि रातों रात टेंट उखड़ जाएंगे, लेकिन उसी बीच राकेश टिकैत की ये रोते हुए विजुअल्स वायरल होते हैं और प्रोटेस्ट खत्म होने के बजाय और तेजी से खड़ा हो जाता है। एज इट इज रेसलर प्रोटेस्ट से भी वीडियोस, फोटोज वायरल हो रहे हैं, साथ ही बजरंग पुनिया की सपोर्ट मांगने वाली वो वीडियो भी। जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं, और बृजभूषण का भी तो किसी ने कुछ नहीं किया। इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी इस अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट की तरह रेसलर प्रोटेस्ट भी विकराल रूप ले सकता है, और सोशल मीडिया पर इसकी हलचल भी देखी जा सकती है, क्योंकि ट्विटर पर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो ट्रेंड कर रहा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और वीकली एपिसोड के साथ। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना, कौन सा पैसा लग रहा है।